राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हर प्रदेश में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने बाद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर खुशी मनाई जा रही है और मिठाइयां बांटी जा रही है। इसी के तहत मुंबई में मुंबई अध्यक्ष राजेश भाई रिडलान के तत्वाधान में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के अवसर पर सैकड़ों लोगों को कंबल वितरण किया गया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि हम राहुल के लंबी आयु की कामना करते हैं और हमारे पार्टी को ऐसे ही युवाओं की जरूरत है जो पार्टी को लाने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, यह सरकार सिर्फ वादे पर वादे किए जा रही है लेकिन काम कोई दिखाई नहीं दे रहा, यह सरकार सिर्फ दूसरी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप भी करती आ रही है। राहुल जी पार्टी की कमान संभाले हम सारे लोगों की इच्छा बहुत सालों से हम ये कहते थे कि राहुल जी बागडोर संभाले पार्टी की, और आज वो ऐतिहासिक दिन हमारे सामने आया। मुझे अपने आप में मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ, बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं उस लम्हे का एक चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे सामने मेरे देश की 132 साल की जिस पार्टी ने सेवा की, जिस देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान रहा, उस पार्टी का अध्यक्ष राहुल जी को बनते हुए देखते बहुत बड़ी खुशी हुई। और न कि सिर्फ मैं, चंद लोगों को बुलाया गया था AICC में लेकिन लाखों लोग रस्ते पे थे, आप लोगों ने अगर देखा होगा मुझे मालूम नहीं, और इतने सारे लोग शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इतने सारे पूरे रास्ते जो भर गए थे, और कहां कहां से कुछ आदिवासी आए थे वो गाना कर रहे थे, कुछ राजस्थान से आए थे, यूपी से आए थे, झारखंड से आए थे, मुझे बड़ा वाकई ताजुब लगा और बहुत खुशी महसूस हुई। गरीबों को कंबल नहीं बांटा, ये गरीबों की दुआ ली है कांग्रेस पार्टी ने, गरीबों को कंबल बांटना ये कांग्रेस पार्टी का धैर्य नहीं है। हमारे जो नौजवान अध्यक्ष बने हैं उनको गरीबों की दुआ मिलनी चाहिए। इस माहौल को भुनाने के लिए, इस माहौल के साथ लड़ने के लिए राहुल जी को आशीर्वाद की जरूरत है। इस प्रकार से आज हमने ये कार्यक्रम किया है और वाल्मीकि समाज में बहुत खुशी है, संपूर्ण वाल्मीकि समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है और आज हमें इतनी खुशी हुई है कि आज हमारे बीच एक नया तेज सरदार अध्यक्ष हमारे बीच आया है और अब सीधा सीधा मौका हमारा बीजेपी से होगा, वो सोच के हम लोग कर रहे हैं।